मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इन दिनों हम एक बहुत ही विशिष्ट श्रृंखला पर चर्चा कर रहे हैं और इस श्रृंखला में हम प्रत्येक लग्न के बारे में उन बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं जब उस लग्न के जातक को यदि इस प्रकार का कोई योग है उसकी जन्म पत्रिका में, तो उसको जीवन में तलाक के योग का सामना जरूर करना पड़ता है। और इतना ही नहीं, सिर्फ समस्या पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसका समाधान क्या है इस पर भी हम चर्चा करते हैं और बेहद ही आसान सा उपाय इससे उबरने का बतलाते हैं। साथियों, हमारे ये सारे एपिसोड पूर्ण रूप से रिसर्च बेस्ड है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हैं। आज ये चर्चा हमारी सिंह लग्न पर होगी। इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप हैशटैग आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही जो बेहद ही आसान सा प्रश्न आपसे इस एपिसोड के अंत में पूछा जाएगा उसका सही उत्तर जरूर दें। साथियों, सभी लग्नों में सिंह लग्न बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ लग्नों में इसकी गणना होती है। सिंह लग्न का जो जातक है वो राजसी वैभव से जीना, आत्मसम्मान से जीना पसंद करता है और खास तौर पर जिस स्थिति की हम आज चर्चा करेंगे उसके बारे में मैं एक छोटी सी सच्ची घटना आपसे जरूर शेयर करूंगा ताकि आप स्थितियों को ठीक से समझ सके। साथियों, एक लड़की जो कि बहुत उच्च शिक्षित, समझदार, अच्छे खानदान की लड़की थी, वो सिंह लग्न की लड़की थी और उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद में एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत उच्च पद पर उसकी पद स्थापना हो गई और सब कुछ ठीक चल रहा था। घर वालों ने विवाह सही उम्र में संपन्न करवा दिया और विवाह के कुछ समय बाद में उनके जो पतिदेव हैं उन्होंने कहा कि तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है, मेरी आय पर्याप्त है तो तुम नौकरी छोड़ दो। और आप यकीन मानेंगे कि इतना सा कहने पर ही उन्होंने अपनी इतनी बड़ी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, बिना ये सोचे कि क्या भविष्य में कभी उनको नौकरी की जरूरत पड़ेगी। खैर, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि कुछ समय के बाद में, कुछ सालों के बाद में उनके ही पतिदेव उनको ये कहकर टॉर्चर करने लगे कि तुमने जीवन में किया ही क्या है, मुझे देखो मैं कितना सक्सेसफुल हूं। वो ये बात भूल गए कि ये जो लड़की है, जो मेरी पत्नी है, ये इतनी बड़ी त्याग की प्रतिमूर्ति होकर के और ये सिर्फ घर को समर्पित करके और इसने अपना जीवन पूरा है जो दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगा दिया है। और जब उसको इस प्रकार से पता लगा कि मेरे इतने बड़े त्याग का कोई मुझे प्रतिफल नहीं मिला, हालांकि प्रतिफल में उसको कुछ चाहिए नहीं था, परंतु आदमी यदि इतना भी कह दे कि तुमने ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया, आसान नहीं होता है ये डिसीजन, तब भी बहुत बड़ी बात थी। तो सिंह लग्न का जो जातक है वो त्याग करते समय बिल्कुल भी झिझकता नहीं है। आइए साथियों, हम जन्म पत्रिका के माध्यम से ये जानने का प्रयास करें कि कब सिंह लग्न के जातक को जीवन में तलाक का सामना करना पड़ सकता है। साथियों, आप ये जो जन्म पत्रिका देख रहे हैं जो कि 5 नंबर से प्रारंभ हो रही है, 5 नंबर अर्थात सिंह राशि। यदि सिंह राशि की जन्म पत्रिका में सप्तम भाव जो कि रिलेशनशिप का भाव है वहां पर गुरुदेव अकेले विराजमान हो तो ये तलाक के योग की निर्मिति करते हैं और खास तौर पर गुरु की दशा और अंतर दशा में इस प्रकार की स्थिति आती है, पति पत्नी में तलाक का मुकदमा भी दायर हो सकता है या स्थितियां कुछ ठीक हो तो नोक झोंक तक बात जाती है, उसके बाद में बात संभाली जा सकती है। साथियों, यदि इस स्थिति का मैं विश्लेषण करना चाहूं तो गुरु यहां पर सप्तम भाव में बैठे हुए, सिंह लग्न में गुरु पंचमेश और अष्टमेश हैं, त्रिकोण के अधिपति हैं, अतः शुभ फल देंगे
जीवन में अवसर इतना देंगे कि उच्च पद पर व्यक्ति जाता है, अपार धन संपदा उसके पास में होती है, उच्च शिक्षा वो प्राप्त करता है, अपनी परंपरा अपने संस्कारों से ऐसा व्यक्ति प्यार करता है और उसके मिलने जुलने वाले लोग जो हैं उनकी बहुत बड़ी संख्या होती है, कहा जाए तो उनका जन संपर्क बहुत अच्छा होता है। परंतु ये स्थिति यदि कुंडली ठीक से मिलान ना करके विवाह किया गया है तब फिर ये दाम्पत्य के लिए एक प्रकार से अभिशाप साबित हो सकती है। साथियों, यदि इस प्रकार की कोई स्थिति है, पहले तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इन सारी स्थितियों का हम उपयोग यदि जन्म कुंडली मिलान के समय कर लें तो तलाक के दंश से बचा जा सकता है। और यदि इस प्रकार की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में है तब भी आपको चिंतित होने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। एक बेहद ही सरल सा और बेहद प्रभावकारी उपाय आप कीजिए, और जो दाम्पत्य जीवन में खटास आ गई है या तलाक तक नौबत पहुंच गई है उसमें रिवर्स गियर लग जाएगा। करना केवल इतना भर है कि किसी भी रविवार से प्रारंभ करके हरिवंश पुराण का आपको पाठ करना है, और पाठ श्रद्धा अनुसार आपके पास जितना समय है उतना करना है, रोजाना प्रातःकाल, रविवार से प्रारंभ करके रोजाना करना है। और इस प्रकार से कम 7 बार आपको लगातार हरिवंश पुराण पूरा पाठ उसका करना है। साथियों, 7 बार की नौबत नहीं आएगी, ये मैं नहीं आपके स्वयं के अनुभव आपसे कहेंगे, और हां इस बारे में आप मुझे सूचित जरूर करिएगा। तो साथियों, आप इसका लाभ जरूर उठाइए और किसी मिलने वाले या किसी जरूरतमंद व्यक्ति तक भी यदि वो पीड़ित है तो ये सूचना जरूर पहुंचाइएगा। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है तन्मय शर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है गाजीपुर उत्तर प्रदेश से। तन्मय जी, आपने जानना चाहा है कि क्या सिविल सर्विसेज में सफलता के योग हैं आपकी जन्म पत्रिका में। 100% योग है। सूर्य आपके लग्न में विराजमान है, मंगल स्वग्रही है, सिविल सर्विस से आपको केवल एक ही चीज सफलता से रोक सकती है और वो है आपकी स्वयं की लापरवाही। आप पूरी मेहनत कीजिए और सितंबर 2020 के बाद में बहुत ही प्रबल राजयोग आपकी जन्म पत्रिका में निर्मित हो रहा है, तो आपको ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। तो साथियों, अब बेहद ही आसान सा प्रश्न, आज जो मैंने उपाय बतलाया है तलाक से रुकने का, उसमें किस पुराण के पठन की बात कही है, उस पुराण का नाम आपको लिख करके भेजना है। तो साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है, आप अपना स्नेह इसी प्रकार बरसाते रहें। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मन मुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।